भाषण करे, क्या रोमांच बना रहा है फर्स्ट हाफ। पहले आपके बाद हो गया है ये, पहले आपके बाद में स्कोर बता दूं 24 पॉइंट के साथ जीएमडी के रेडर, 4 का डिफेंस मौजूद, 2 चेने बनी है राइट और लेफ्ट कॉर्नर में। क्या कोशिश रहेगी गुमान के द्वारा, क्या कोशिश रहेगी लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा, इसमें राकेश के द्वारा जिस तरह से रेड कर रहे हैं जीएमडी के लिए, अच्छे रेडर है, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, रेडर में कोई कमी नहीं है और सेल्फ आउट हो सकते थे। ऊर्जावान खिलाड़ी है, ऊर्जा का संचार इसमें जितना देखा जाए उतना कम, बहुत ही ऊर्जा जहां जहां से निकल रही है वहां ऊर्जा ही ऊर्जा निकल रही है। और एंकल होल्ड का प्रयास उनका बरकरार रखे, पांच का डिपेंड मौजूद रानीगांव के खेमे में, और ये खासा खास रणनीति भी हो सकती है। चले हैं जैसे नंबर 15, धमाल होगा, कमाल होगा, कुछ बेमिसाल होगा। क्या राकेश कुछ करेंगे या डिफेंडर गुमान की टीम कुछ कर पाएगी इस रेड में? पॉइंट तो जरूर बनेगा, चाहे इधर बने चाहे उधर बने चाहे किधर भी बने, पॉइंट जरूर आएगा। और आखिरकार राकेश को अलग ही नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भाई बिल्कुल प्रेम जी मुकाबला कांटे का है और रोमांचक, जितनी उम्मीद की जा रही थी उतने से ज्यादा रोमांचक मुकाबला, इससे ज्यादा रोमांचक तो और क्या देखने को मिल सकता है। गुमान काफी डीप जा रहे हैं और दबाव जरूर हो सकता है जीएमडी पे, पहली बार ऐसे रेडर देखने को मिल रहे हैं बोर्ड पे, तो इससे आप दबाव का अंदाजा लगा सकते हैं राजू भाई। बिल्कुल दबाव ये है कि कोर्ट में तीन, अब जानते हैं कि यहाँ पर लीड बना ली तो हमें जो ताज है वो सिर पर हो सकता है, इसलिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, बार बार वही रेडिंग कर रहे हैं, किसी को मौका नहीं देना चाहते, इसीलिए वो आउट होके चले गए कोर्ट से बाहर। और रानीगांव की कोशिश रहेगी अच्छे रेडर डिफेंडर को बाहर रखे, और इधर जीएमडी की कोशिश रहेगी वापस पॉइंट लाए भाई, मैच बराबरी पे, अभी कोई मामूली बढ़त ले रखी है रानीगांव ने, बिल्कुल कोई बढ़त ज्यादा नहीं है, मामूली सी बढ़त है, कभी 24 का फासला कुछ खास कोई मायने नहीं रखती, एक रेड में ये कवर हो जाती है। लेकिन संकट की जो घड़ी है वो ये ऑल आउट की है, क्या इस ऑल आउट की संकट की घड़ी जोखिम रहेगा रेडर के लिए, हमेशा मानसिक दबाव रहता है डू और डाई में, दिमाग में एक अलग से हलचल चलती रहती है, क्या है मानसिक दबाव में निखरते हैं, जो बिखरते हैं वही निखरते हैं, और क्या कुछ ऐसा होगा, कोशिश की जा रही है। लेकिन एक पॉइंट मिला रानीगांव को, पॉइंट 27-26 के साथ में रानीगांव आ गए, 2 का डिफेंस मौजूद है, सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल की कोशिश रहेगी एक एक खिलाड़ी, और भाई ये तो पॉइंट लेके गए, ऐसा ही कुछ गेम है रानीगांव वर्सेस जीएमडी के बीच में फाइनल मुकाबला, बिल्कुल फाइनल मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलेगी, मिलेगी जिनके जान होती होगी, अब जान किस में ज्यादा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये क्या कर गए रेडर, एक पॉइंट में 31-27 के साथ में रानीगांव बढ़त बनाई है 4 पॉइंट, और राजू का जैसे ब्लॉक आता है रेडर अभी तक कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक या दो रेड में कमर होने वाला डिफरेंस है। गुमान लगातार अपनी टीम को बढ़त दिलाने के लिए ले गए, गुमान अक्सर कम देखने को मिलता है एम्प्टी रेड ऐसे मैचों में, 7 का पूरा डिफेंस है, 32-28 के साथ में रानीगांव आ गए हैं, 32-28 का जो फासला दोनों टीमों के बीच में, और भाई 7 का डिफेंस मौजूद है, राकेश द्वारा रेड की जा रही है, जबरदस्त रेडर अपनी टीम के लिए, जो भी गेम को हल्का किया है दोनों ही टीमों ने, दोनों टीमें एमपीटी रेड थोड़ा समय व्यतीत करती हुई, थोड़ी थकान भी महसूस कर रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि बड़ा मैच है, आखिरी क्षण वापस आपको रोमांचक, जैसे राजू को आपने पैर दिया लपक लेते हैं खिलाड़ी, वैसे कोलिया से संबंध रखता है शहीद सुरेश कीर्ति चक्कर क्लब से,
बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है। राजू छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। डिफेंड में अपनी पूरी शारीरिक दक्षता के साथ पूरा जोर लगाते हैं। 26 तानी गांव की टीम अभी तक, लेकिन मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, जो टीम अंत में इस मानसिक दबाव को झेलेगी वही के सर पे ताज होगा फाइनल मुकाबले का, विजेता टीम का। दोनों टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी है भाई, और जबरदस्त तरीके से साथ का डिफेंस पीछे से है। अरे भाई, अरे यार, इसमें तो कुछ कमाल हो सकता था अगर घुमा भी देता थोड़ा सा आगे आ जाता। पॉइंट का फासला कुछ ज्यादा नहीं है, 32-30 के साथ में मैच चल रहा है भाई। एक बार इस मैच के लिए जोर से तालियां बजा देंगे आपके मनोरंजन के लिए। डू डाई रेड के लिए कहा जा चुका आपको पहले भी। 24-25 आखिरकार 33-30 के साथ मैदानी गांव। और भाई ये क्या किया, कमाल किया भाई, एंकल होल्ड ऊपर जा पहुंचा। 33-31 कड़ा मुकाबला, 5 का डिफेंस मौजूद, बोनस और नहीं है राकेश के लिए। राकेश रेडर है जीएमडी के सामने, डिफेंस टीम 5 के साथ में 2-2 के 2 चैन राइट और लेफ्ट कॉर्नर में कोशिश रहेगी रेडर के द्वारा, पॉइंट की कोशिश रहेगी। 24-25-26-27 अपनी टीम के लिए, जीएमडी के लिए कोशिशें जारी है जबरदस्त तरीके से। और भाई ये तो जबरदस्त तरीके से कितने खिलाड़ियों को आउट किया भाई। ओ भाई हेलो, क्या कर रहे हैं? डू और डाई रेड है बता दें आपको। 34-31 के साथ में आगे भाई, कमाल किया, पहली बार रेड की और पहली बार परस्यूट रेड में पॉइंट लाए अपनी टीम के लिए। ये होता दिमाग का खेल। सुशील भाई स्कोर चल रहा है 34-32 के साथ में, रानी गांव इस मैच में मात्र 2 पॉइंट की बढ़त बनाई हुई है। बहुत लाजवाब मुकाबला, बहुत कमाल मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला। भाई इस बार इस रेड में गुमान भाई आउट हुए हैं, इसका डिफेंस मौजूद है, पॉइंटों का कुछ ज्यादा खेल फासला नहीं है, खेल का जवाब खेल से ही दे। 34-33 के साथ में रानी गांव एक मात्र 1 पॉइंट की बढ़त के साथ में है। और भाई ये तो पैसा वसूल मैच चल रहा है, फाइनल मुकाबला जिसकी उम्मीद थी हम लोग 70-80 किलोमीटर दूर से चल के हैं इस मैच को देखने के लिए, तब क्या कुछ हुआ। ऐसे आयोजनकर्ताओं के लिए एक बार ताली जरूर होनी चाहिए, पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है भाई, जबरदस्त तरीके से ये ऐसे खिलाड़ी और आयोजनकर्ता आपके बीच में मौजूद हो, तभी मुझे लगा सुशील भाई जीएमडी इस पर सिद्ध हो रहा आपका लोगो। इस रेड में पॉइंट लाना है, करो या मरो, और ये 2-4 रेड ही डिपेंड में बताएगी क्या होने वाला ये मैच का रुख। और भाई 34-34 डू और डाई रेड है, पूरा डिफेंस मौजूद है सामने जीएमडी का, रेडर के ऊपर पूरा का पूरा मानसिक दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस दबाव से क्या उबर पाएंगे रेडर या फिर डिफेंडिंग टीम के द्वारा। भाई लंबी जंप किया और भाई एक पॉइंट लेके जाने के लिए, तो भाई ने पहले ही बोला आप एक मंदिर के रूप में इनको सजाया गया। कोशिश रहेगी इस रेड में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ होगा। और भाई ये कोशिश की जा रही है राकेश के द्वारा इस रेड में, अंदर तक जा रहे हैं। और भाई ये तो 3 पॉइंट लेके गए हैं, और ये मुझे लग रहा अब वापिस मैच बनता हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है। पांच मिनट बाकी। मात्र 1 पॉइंट की बढ़त है जीएमडी को, 2 का डिफेंस मौजूद, सुपर टैकल होना है, क्या राकेश को सुपर टैकल कर पाएगी अदानी गांव या फिर ये कोशिश रहेगी। और भाई ये पीछे से आ गए, और भाई ये तो राकेश ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया है। पाकिस्तान साहिब टीडीओ का खतरा मंडरा रहा था, और भाई रानी गांव के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है, क्या कुछ होगा इस रेड में, क्या कुछ होगा। डिफेंडर वर्सेस रेडर के बीच में कड़ा मुकाबला, जबरदस्त संघर्ष, इधर से उधर चल रहे, इधर चला मैं उधर चला, जाने का किधर चला।
38-38 38 के साथ मुकाबला बराबर। दो का डिफेंस मौजूद है, रेड की जा रही है राकेश के द्वारा। गुमान खड़े हो गए भाई, जबरदस्त स्टार रेडर है अगर गुमान को। अरे भाई ये तो कमाल कर दिया फिर राकेश ने, पॉइंट मिला इधर, स्कोर जा पहुंचा 39-38। अरे भाई कितने, 3 पॉइंट और एक बोनस 39। भाई दिल की धड़कने तेज हो रही है सभी की और जीएमडी परिवार की, तो मुझे लग कुछ सब कुछ इनके लिए संभव है भाई। मैं सुशील भाई बता रहा हूँ, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और एक के लिए क्या किया भाई, क्या कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी शब्द नहीं मेरे पास अब क्या कहें इस मैच के बारे में। मेरा तो पूरा पैसा वसूल हो गया जितना मैं किराया भर के आया हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने जो साफा पहना कर मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। कमेंट्री बोलने के लिए मुझे मौका दिया उसके लिए भी सभी आयोजन करता हूँ। जय हो क्या कुछ होगा। 42-41 के साथ में मैच कांटे की टक्कर में फंसा हुआ है भाई, किधर सुइयां जाएगी किधर क्या कुछ होगा। कमाल तो कुछ ना कुछ इधर होगा या उधर होगा, जीएमडी के पक्ष में या रानी गांव के पक्ष में। क्यों हो चाहे जयपुर पिंक पैंथर्स हो, सब पैसे यहाँ पे वसूल हो रहे हैं, वसूल मैच है जबरदस्त तरीके से। अंतिम टाइम चल रहा है इस मैच का, अंतिम 1 मिनट का समय शेष है भाई। जिनको भाई मैच सुशील भाई 42-42 पे तक गया, कौन अटकेगा कौन लटकेगा कौन पटकेगा इस मैच में भाई, कमाल जरूर होगा भाई। टाई नहीं होगा ये तो पर कंफर्म है, टाई नहीं होगा। कौन जीतेगी भाई, कौन जीतेगी। लास्ट रेड है, पॉइंट एक तरफ जरूर आएगा। और भाई जीते गुप्ता की धोनी ने इस मैच को जीत लिया भाई, 1 पॉइंट से सुशील हर्षित पे लाजवाब, बहुत कमाल प्रदर्शन। तुम कमाल करते हो, बेमिसाल करते हो, कमाल करते हो और अपनी जिंदगी में ये लाजवाब प्रदर्शन करते हो। कहते हैं कि जिंदगी में जिनको चलना था वो चलते रहे।